भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हर साल रोजगार बाजार में लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। साथ ही महामहिम ने कहा कि हमारे पास सबसे अधिक युवा शक्ति और कार्यबल है और ये सुविधा थोड़े और अधिक समय के लिए रह सकती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा से सटे माछिल सेक्टर के पास सेना ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मुंबई में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के भतीजे अबू असलम कासिम को एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त स्पेशल सेल ने होटल में छापेमारी की, उस वक्त अबू असलम कमरे में एक महिला के साथ था जिसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई है। मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर दूर खैरी नामक स्थान पर स्थित वारसी की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। इस विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। प्रशासन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा का ऐलान किया है। बिहार के आरा का हश्र भी उड़ता पंजाब जैसा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ शराबबंदी ने नशे के कई नए द्वार खोल दिए हैं, जिसका ताजा उदाहरण जब खुशी के माहौल में शराब की बुरी नजर लग गई। नतीजन दूल्हा बाराती समेत चुपके से भाग खड़ा हुआ। दरअसल शराब के नशे में धुत बारातियों ने पहले नृत्यों के साथ छेड़छाड़ की। बाराती गांव वालों के मना करने के बावजूद नहीं माने और मारपीट पर उतर गए। वहीं झगड़ा करके बिना शादी के दूल्हा राजा सहित बाराती रातों रात फरार हो गए। हाल ही में सेना रिकॉर्डिंग स्टूडियो अंधेरी पश्चिमी मुंबई में ग्लैमर इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म करिश्मा साई का भव्य संगीत में मुहूर्त संपन्न हुआ। इस अवसर पर मशहूर गायक कुमार सानू ने नारियल फोड़कर मुहूर्त की रस्म अदा की। इस फिल्म में कुल 8 कर्णप्रिय गीत हैं। इस मौके पर निर्देशक गोपाल राघव ने बताया कि इस फिल्म में साई बाबा की जीवन गाथा, उनके अनेक चमत्कारों और कई अनकहे अनछुए प्रसंगों को दिखाया गया है। मोतिहारी जिला के खजूरिया चौक पर जल जमाव के कारण ग्रामीणों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे रिपोर्टर रंजीत तिवारी ने बताया कि सड़क तालाब में बदल गए हैं, जिसके चलते गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बिहार में मोतिहारी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र ग्राम श्यामपुर से एक महिला को डायन बताकर पीटे जाने का मामला सामने आया है। घटना पीड़ित मरियम खातून ग्राम मोहम्मद की रहने वाली है, जो अपनी बेटी के ससुराल श्यामपुर आई थी। वहीं इस मामले में संग्रामपुर थाना के दारोगा राम एकबाली राय ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। बलिया के बैरी थाना क्षेत्र के दया छपरा गांव में एक ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि हल्दी थाना क्षेत्र के कठाई ग्राम के निवासी विश्वनाथ यादव के यहाँ से दया छपरा गांव में बारात आई थी। बारात में आए महिला डांसर के साथ डांस करने के लिए गुंडे तंग करने लगे। विरोध करने पर महिला डांसर के साथ मारपीट की। साथ ही महिला डांसर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी एक सोने की चेन छीन ली गई है, जबकि ऑर्केस्ट्रा संचालक का कहना है कि मेरे 65,000 रुपये लूट लिए गए हैं। आरा में संदेश थाना क्षेत्र के आग गांव के रहने वाले छोटू शाह की 10 वर्षीय पुत्री की बिजली के खंभे में करंट आने से मौत हो गई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। साथ ही गांव वाले उचित मुआवजा और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आरा के प्रधान कार्यालय गोला मोहल्ला अधिकार के अंतर्गत चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देने के लिए भोजपुर में प्रतियोगिता आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बैठक में आगामी 16 जून को तीरंदाजी का एक दिवसीय टूर्नामेंट आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर तीरंदाजी भोजपुर के कोच नीरज कुमार ने बताया कि इस टूर्नामेंट में लगभग 20 खिलाड़ी भाग लेंगे। आरा में अपहरण और दुष्कर्म जैसी वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पीरो थाना क्षेत्र के अमाई काजी टोला गांव की है, जहां एक नाबालिग युवती की 2 मोटरसाइकिल सवार युवक अगवा कर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित युवती ने पड़ोसी रितेश सहित एक अज्ञात पर अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवती की आरा सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच कराई। आरा में भोजपुरी की पढ़ाई 9 माह बाद भी नहीं शुरू होने पर राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने राजभवन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इसे जल्द शुरू कराने की वकालत की है। साथ ही नहीं शुरू करने की स्थिति में चेतावनी देते हुए आंदोलन की बात भी कही। आरा में वामपंथी दलों के आह्वान पर आईसा ने आरा स्टेशन पर संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान ट्रेन स्टेशन पर लगभग 30 मिनट तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
आरा में प्रभाव क्रिएटिव सोसाइटी के द्वारा समर कैंप का उद्घाटन समारोह महाजन टोली आरा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव कमलेश कुंदन और संचालन रामबाबू सिंह ने की। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता आरा शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर विकास कुमार थे। बलिया में केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में पहुंचे बैरिया विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बोतल और होटल वाली संस्कृति का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जिनका दिल और दिमाग जिनका इटली और जापान में बसता है, वे भारतीय संस्कृति के बारे में क्या जानेंगे। फिल्म दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार निभाकर पॉपुलर हुई फातिमा सना शेख का हाल ही में एक फोटोशूट सामने आया। उन्होंने एक फैशन मैगजीन के लिए शूट किया। सभी फोटोज में उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। कुछ फोटोज में वे बीच साइड पर पिकनिक में चेयर पर बैठी दिख रही हैं, तो कुछ फोटोज में वे बेड पर लेटी नजर आ रही हैं। मेरे साथ खास खबर में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। सी हेक मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है सी आजकल इंडिया @gmail.com।